चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो पटना में से आ रही है। बिहार के पटना में एक नामी होटल है, होटल मौर्य। वहां के जो मालिक हैं एसपी सिन्हा, उनके ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी इस वक्त चल रही है। नोटों को गिनने के लिए नोट मशीन वहां पर मंगाई गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सिंगर इस वक्त दे रहे हैं। मुकेश, क्या मामला है और ये जो होटल मौर्य है, ये बड़ा नामी ग्रामी होटल है पटना का, बड़े सारे राजनेता भी यहां पर अक्सर ठहरते रहे हैं, तो किस मामले में एसपी सिन्हा के ऊपर कार्रवाई हो रही है? देखिए, मामला तो जो है मनी लॉन्ड्रिंग का है बेसिकली, और इसी मामले को लेकर जो ईडी की टीम है वो आज दोपहर में एसपी सिन्हा के घर पहुंची थी और वहां पर काफी बड़ी मात्रा में कैश मिला है ऐसा कहा जा रहा है। और कैश को गिनने के लिए जो मशीनें हैं नोट गिनने की वो मंगाई गई थी, और इसके अलावा 14 शराब की बोतलें मिली हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये रेड हो रही है। हालांकि अभी और डिटेल नहीं मिल पाए कि आखिर जो पूरा मामला है वो क्या है, किस एफआईआर में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि दोपहर में ईडी की टीम पटना पहुंची थी और पटना में जो मौर्य होटल के मालिक हैं एसपी सिन्हा, उनके ठिकानों पर ईडी की टीम पटना में रेड कर रही है और उनके घर से काफी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। और कैश को गिनने के लिए जो मशीन्स हैं वो मंगाई है ईडी ने, और साथ में 14 बोतल शराब मिली है, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो अभी थोड़ा और डिटेल मिलेगा जिसमें साफ होगा कि आखिर कौन सी एफआईआर पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और फिर ये रेड की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।